खुद ही झूले तो खुद ही माइया। चलो बस अब बड़े हो गए हो। जब आप लोग डाइट कर रहे हो तो सिर्फ आपने एंड तेल लगाना है और बिल्कुल हल्की आग रखेंगे, तेज आग करेंगे तो साथ चिपक जाएगा तवे के। इधर बना रही है नादिया चाय। कल इलायची कम थी नादिया, आज पीस के डालो इलायची जितना पहले दिन तुमने बनाई थी ना तब कहा था। ये जी बड़ी हेल्दी हेल्दी चीज़ें आई हैं। सबसे पहले है जी पिस्ता बटर है विद हनी है, फिर उसके बाद काजू बटर आ गया विद हनी। ये इन दोनों की शक्ल है, मैंने दोनों थोड़े से साइड साइड से ट्राई किए, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग एक अच्छी और हेल्दी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद ये इनकी मेरा ख्याल एक प्रोटीन बार टाइप है जिसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बड़ा मज़े का। इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रंच है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके दरमियान में इसका एक फ्लेवर है और हर चीज़ इसके अंदर ना बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल की हुई है। बादाम भी नज़र आ रहे हैं, काजू भी, पिस्ते भी, अखरोट भी, हर चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद ये तीनों शरबत आ जाते हैं। मैंने इसमें से ट्राई किया है बादाम का शरबत, मुझे बादाम का शरबत बहुत अच्छा लगा है। बाकी मैंने दोनों ट्राई नहीं किए, खोल सारे लिए हैं लेकिन ट्राई मैंने बादाम का शरबत किया। जिस तरह घर में बादाम का शरबत बनता है ना बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का जाएगा, बस 19-20 का थोड़ा सा फर्क होना है, बाकी सेम टेस्ट है। घर में जिस तरह चीज़ बनती है बादाम का शरबत बनता है। और कुछ लोग पूछेंगे जी इनकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये आप उन्हें पेज से पूछना है, फ्रिज में चीज़ें रखनी है। उसके बाद 900 ml की ये बॉटल आपको मिलेगी, मैंने पेज टैग कर दिया है, आप लोग बाकी भी इनकी चीज़ें चेक कर लीजिए और प्राइस पूछ लीजिए। बादल कैसे मूव कर रहे हैं देखो, धुएं की तरह, इस तरह वाले ज्यादा मूव कर रहे हैं।